हाँ भाई, तो सेकंड वो लिखिएगा सेक्शन बी, इसमें बस इतना ही है सेक्शन ए में, ठीक है। सेक्शन बी में लिखिए माइक्रोबायोलॉजी में से क्या क्या आने वाला है। एक तो इतिहास आएगा इसका, इतिहास जो मैंने कहा था ना, आप इतना तो पढ़िएगा, थ्योरेटिकल है। इस बार से एंटोनी वॉन ल्यूस का आ गया है आप लोगों के सीनियर्स के में, है ना, तो वो आपको में शायद नहीं आएगा इस बार। बट आपके में हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या क्या है, एंटोनी वॉन ल्यूस का कार्य, एंटोनी वॉन ल्यूस का कार्य, कॉमा स्वतः जनन का सिद्धांत, सिद्धांत कॉमा रोगों एवं किण्वन का जीवाणु मत, रोगों एवं किण्वन का जीवाणु मत। हाँ, लुईस पाश्चर व जॉन टिंडल का कार्य, लुईस पाश्चर व जॉन टिंडल का कार्य, रॉबर्ट हुक तथा एडवर्ड जेनर का कार्य, ये हैं आपके में, ठीक है। ये सारे कार्य उन्होंने जो भी की ना, एक्सपेरिमेंट सारे चलेंगे, फ्लास्क लिया था, स्पॉन्टेनियम क्या पढ़ते हैं, फ्लास्क लिया था, एक तो मुड़ी हुई गर्दन थी, एक की तोड़ दी थी, एक को नॉर्मल में लिया था, तो सारे कार्य आपको याद होगा। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा बैक्टीरिया, रॉबर्ट हुक एडवर्ड जेनर के कार्य। सेकंड ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है बैक्टीरिया, सेकंड पॉइंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आप लोगों को जो भी कुछ करवाया गया है, साइज शेप पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, जो सेल वॉल बताया था, जी एम लिखते थे हम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, याद है कुछ, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। लिखना नहीं है, सब सुन लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसमें है स्लाइम लेयर करा दिया, कैप्सूल, सेल एनवलप, साथ में इनर मेम्ब्रेन कराई थी, ग्रैम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस करा दिया, मीसोसोम, सेल प्रोजेक्शंस, इसमें सीरिया फ्लैजेला करवाए थे, हुक होते हैं, बेसल बॉडी होती है, ऐसे याद है ना, वो सब आ रहा है, कंप्लीट है मतलब आपका बैक्टीरिया। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, चिकित्सा महत्व के जीवाणु, चिकित्सा महत्व के जीवाणु, इधर जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था, इसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के कुछ होते हैं ना, मेनिनजाइटिस, डायरिया, उस दिन बात की थी ना, कहा था खुद पढ़ लेना, वो आपके में है और क्लास इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, बट उसे पढ़ाने लायक नहीं होता है, खुद पढ़ने लायक होता है, ठीक है। अगर आप लोग का हो गया तो लास्ट में लिखवा जरूर दूंगी मैं इसको, क्लियर है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, पहले बोलना चाहिए, इसमें से आप जाता है बहुत। नेक्स्ट है आपका, ये मैंने टीबी और लेप्रोसी बताए थे, कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी वाले क्या होता है, कुष्ठ रोग और टीबी, सबको पता है कौन सा रोग है टीबी, ठीक है, वो है आपके में, लिखिए टीबी व कुष्ठ रोग। फोर्थ पॉइंट, एड्स एंड हेपेटाइटिस, एड्स एंड हेपेटाइटिस, ठीक है। अब इधर आ जाइए, लिख लिया सबने, पहली खास बात क्या चीज हट गई है, तो जीवाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ हट गया है, जिसने प्लेज्मिड वगैरह बताया था, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेशन, प्लेज्मिड बताया था, हट गया आपका। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हट गया आपका, तीन टाइप के बताए थे ना, सब हट गया इसमें से। जीवाणुविक पोषण एवं वृद्धि जो कहा था पढ़ लेना, वो भी हट गया है, ठीक है, समझ में आ रही है, तो काफी कुछ हटा है। नेक्स्ट लिखिएगा सेक्शन सी, सेक्शन सी में है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी मतलब, जैव प्रौद्योगिकी, इसमें है डैश कीजिएगा इतिहास,
मतलब कार्य क्षेत्र, कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसमें, ठीक है, एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है ना, उनके महत्व जो होंगे, कॉमा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिएगा, जीन स्थानांतरण हेतु वाहक, मतलब वेक्टर जीन जो मैम ने करा दिया होगा उसमें बॉटनी में, सॉरी करा दिया ना बॉटनी में, वेक्टर जीन ये है। नेक्स्ट है इसमें आपका सीडीएनए, जीन बैंक, ठीक है, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है टिश्यू ऑर्गन, लिखिएगा प्रोकैरियोट्स एवं, प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में प्रोटोप्लास्ट संलयन, प्रोटोप्लास्ट संलयन, जीव कौन, नेक्स्ट पॉइंट जीव कोशिका उत्तर अंग तथा भ्रूण का संवर्धन, संवर्धन माध्यम पढ़ाए जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करा दिया है ना मैम ने, लिख लीजिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनर्योजन डीएनए तकनीक, पुनर्योजन जी अंग तथा भ्रूण का संवर्धन, संवर्धन माध्यम इसमें कराए थे। नेक्स्ट जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या इसमें लिखना है पुनर्योजन डीएनए तकनीक, ठीक है, इसमें आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हाइब्रिडोमास आ जाएंगे, पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फुटप्रिंटिंग, आरएफएफ, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा मोनोक्लोनल, सही तो बताना है मुझे, देखो हाइब्रिडोमा तकनीक एवं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है, और हिंदी बोलते हैं हाइब्रिडोमा तकनीक एवं एक क्लोनी प्रतिरक्षिया, एक क्लोनी प्रतिरक्षिया, ये आज का टॉपिक था, एक क्लोनी प्रतिरक्षिया, ठीक है, और उनके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आनुवांशिक अभियांत्रिकी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी मैंने करा दिया होगा ये, ठीक है ना, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हजार्ड्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है नहीं कराया जाए कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, चिंता ना करें, ठीक है, हाँ तो मैं करा के जाऊंगी, चिंता ना करें। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्राणी एवं, ट्रांसजेनिक प्राणी एवं उनके उपयोग, उनके उपयोग, जब तक साइड टॉपिक हो नहीं जाएंगे ना, जब तक चिंता ना करें, हम बंद नहीं करेंगे इसको, बाकी छोड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोनिंग, क्लोनिंग डैश कीजिए और लिखिए एडवांटेजेस एवं डिसएडवांटेजेस, मतलब क्लोनिंग भी पढ़ना है, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस नहीं आते हैं, उपयोगिता और अनुपयोगिता उसकी,
जितने भी एडवांटेजेस हैं, मेरिट और डिमेरिट बताने, गुण और दोष, ठीक है, हो गया, बस इतना ही है। मतलब देखा जाए बियर, वाइन, हार्ड लिकर, विनेगर सब हट गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हट गया, ठीक है। तो अच्छा है ना, हम लोगों ने अगर किया था तो क्लास आप लोगों के पास ऑप्शन है, तीन चार टॉपिक रहते हैं उसमें सेक्शन सी में, ठीक है। कौन कौन से रह गए ध्यान दीजिएगा जरा, एक तो क्लोनिंग, शायद मोनोक्लोनल कंप्लीट होते क्यों नहीं उठाया जाएगा टॉपिक आपका, ठीक है। एक ट्रांसजेनिक कब आता है, बस पूरा कंप्लीट है, देखिए सेक्शन सी में से मोनोक्लोनल तो मैं अब करा दूंगी स्टार्ट आज से। मोनोक्लोनल कंप्लीट होने के बाद रह जाएगा तो आपका वो सी क्लोनिंग और आपका ये ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है, दो टॉपिक रहते हैं कंप्लीट आपका सेक्शन सी, ठीक। सेक्शन बी में भी सब चीज कंप्लीट करा दी और ए में। अच्छा अब फिजियोलॉजी हो चुकी है आप लोगों की, उसका सिलेबस है या नहीं है, नहीं तो एक काम करते उसका सिलेबस कल डिस्कस कर लेते है ना, क्योंकि मुझे वो चाहिए होगी बुक उसके लिए, बुक तुम्हारे पास शायद हो, देखा है क्या, तो उसका भी लिखवा देंगे लगे हाथ में, हाँ फिर ठीक है। कहता 70% देके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ अगर ऐसा कुछ होता ना तो नोटिस पे आ जाता है गूगल पे, खुद गूगल पे सर्च कर, उन्होंने वही वाला डाल रखा है 2020 का वाला, और सर ने मुझसे कल ही बोला है ना कि मैडम वही कराना है, मेरी बात नहीं कराना पूरी वर्ष, ठीक है, ठीक है। 70% वैसे भी जो हटा है ना वो इम्पोर्टेंट था ही, क्लियर है, लिखिएगा जरा, जंतु की कार्य की में से पेपर फर्स्ट का तो तभी लिखवाएंगे, ठीक है, सेकंड का लिखवा रहे हैं, लिखिएगा इसमें लिखिए मैमल्स में, सेक्शन ए में लिखिएगा मैमल्स में परासरण नियमन, परासरण नियमन, ठीक। सेकंड पॉइंट, हालांकि आपका ही था बहुत बड़ा परासरण वाला टॉपिक था ना, बहुत बड़ा था, फिशेज में अलग, इसमें अलग, उसमें अलग, सब बता दिया मैं हंस में रह गया, बट थ्योरेटिकल था, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा सेकंड पॉइंट, पाचन की कार्य की, पाचन की कार्य की में लिखिएगा पाचक एंजाइम के प्रकार, वह उनके पाचक कार्य, वह उनके पाचक कार्य, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा परिसंचरण की कार्य की, परिसंचरण की कार्य की, तो देखिए आप किसमें से पता है बहुत सारा चीज हटती है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में से एक तो खाद्य पदार्थ हटा दिए उन्होंने, भोजन की प्रकृति जो हम लोगों ने नहीं कराया था ना स्टार्टिंग में 70% भी लेके चले थे, पूरा पूरा करवाया था उस वक्त सारा कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा था अभी, परिसंचरण की कार्य की, उसमें लिखना है आपको संगठन, रक्त, रक्त संगठन व उनके कार्य, ब्लड क्लॉटिंग की क्रियाविधि,
ये क्या चल रहा है मच्छर सा, तो इस तरह ब्लड क्लॉटिंग की कार्य की मैकेनिज्म मैकेनिज्म चलेगी या क्रियाविधि, ठीक है। कॉमा लगाइए, शारीरिक ताप नियंत्रण, शारीरिक ताप नियंत्रण करा दिया सर, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या क्या चीज हट चुका है। एक तो हृदय चक्र हट गया, हृदय हट गया, दोहरा परिसंचरण हट गया, हृदय स्पंदन हटा दिया, रक्त दाब हटा दिया और ऊष्मा संरक्षण हटा दिया, सब हटा दिया इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, श्वसन की कार्य की, श्वसन की कार्य की, उसमें डैश करके लिखिएगा श्वसन की क्रियाविधि, गैसों का विनिमय, तथा रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, पूरी क्रियाविधि में चली जाएगी। मतलब आप लोग डायग्राम के थ्रू बताया था ना, जहाँ पे कम होता है ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, वो निकल जाती है गुलाई से, वो उसमें सब आ जाएगी। रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, उत्सर्जन की कार्य की, उत्सर्जन की कार्य की, ठीक है। इसमें लिखिएगा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के प्रकार, ठीक है। मतलब इसमें आपको अमोनोटैलिक, एमिनोटैलिक, यूरिकोटैलिक बताए थे ना, कुछ सब आ जाएंगे। लिखिएगा यकृत के कार्य, यकृत के कार्य, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा वृक्क के, वृक्क की संरचना व कार्य, बताइए थी ना इसकी हिस्टोलॉजी, पूरी किडनी की, कॉर्टेक्स, मेडुला, सब बताना है इसमें। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इंग्लिश में लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मतलब मूत्र निर्माण, ठीक है। पूरी मैकेनिज्म चलेगी मतलब इसमें, ठीक है। कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया था वो। सेक्शन बी लिखिएगा, तंत्रिका आवेग तथा, तंत्रिका आवेग तथा प्रतिवर्ती क्रिया की कार्य की, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है लिखिए, न्यूरॉन की संरचना व कार्य, नर्व इंपल्स, मतलब तंत्रिका आवेग का उद्गम, कॉमा सिनेप्टिक प्रेशर, सिनेप्टिक प्रेशर बताया था ना किस तरह आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास होती है कोई भी इंफॉर्मेशन, कंडक्ट होती है, वो आएगा पूरी मैकेनिज्म में जो कराया है, ठीक है। सिनेप्टिक प्रेशर, प्रेशर छत्रीय वाला। नेक्स्ट लिखिएगा पेशीय संकुचन की कार्य,
पेशीय संकुचन की कार्य की मतलब जो स्केलेटल मसल के बारे में बताना है कार्य की, इसमें बताना है कंकाली पेशी की संरचना व कार्य, कंकाली पेशी की संरचना व कार्य। मैंने स्टार्टिंग इसकी यहां से की थी, तीन प्रकार की आपको बताई थी मसल्स। कॉमा कंकाली पेशी का संकुचन व शीतलन मतलब पूरी कार्य की है इसमें। नेक्स्ट हेडिंग अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां उनके स्त्रावन और कार्य, उनके स्त्रावन एवं कार्य। डैश कीजिए और लिखे पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लैंगर हैंग्स की द्वीप समूह, आईलेट्स ऑफ लैंगर हैंग्स, लैंगर हैंग्स के द्वीप समूह बताया था सर। कॉमा वृषण एवं अंडाशय खत्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा फोर्थ पॉइंट प्रजनन की कार्य की, जिसमें आपको पढ़ना है डैश करके लिखिएगा स्तनियों में नर व मादा प्रजनन, बस प्रजनन पढ़ना है बस। इसमें से आपको न तो पार्चुरिशन पढ़ना है मतलब प्रसव नहीं पढ़ना, रोपण नहीं पढ़ना, दुग्ध स्राव क्रिया नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रजनन पढ़कर चलना है। ठीक है, बताया था ना, तो वो सब नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा प्रसव वगैरह सब हटा दीजिए। नेक्स्ट है तंत्रिका स्त्रावन के लिखिए पीयूष ग्रंथि के कार्यों पर हाइपोथैलेमिक का नियंत्रण। ठीक है कि हाइपोथैलेमस जो है किस तरह पीयूष ग्रंथि पर अपना कंट्रोल रखता है उससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स पर, याद है कि भूल गए साहब? हाइपोथैलेमस का नियंत्रण बताइए क्लास, याद है सब? भूल गए, कुछ कुछ से याद आ रहा होगा लिखने में कम से कम। गुड, इसमें से जो हटा है वो आपका कीटों में अंतःस्रावी ग्रंथियां बताई थी, जुवेनाइल हार्मोन याद है? हाँ बिल्कुल, कॉर्पोरा एलाटा ये सब हट गया, फिजियोलॉजी में से बहुत कटा था लक्ष्य, बहुत कटा था। ठीक है, लेकिन क्लास आपके साथ बात अच्छी है कि आप लोगों ने सीख सब लिया है ना, अगर आप उसको एंड टाइम पर रिवाइज करने बैठेंगे ना तो याद बहुत जल्दी आ जाएगा, अगर आपको 100% दे भी दिया जाए ना तो आपको तैयार है फिजियोलॉजी में तो एटलीस्ट। ठीक है, जितना करवाया गया वो मैंने पूरे अच्छे तरीके से 100% करा के चली गई, बाकी तो आपकी किस्मत, लेकिन 70% आएगा। लेकिन आप लोगों का सिलेबस सबसे ज्यादा कटा है फिजियोलॉजी में से, और एक फर्स्ट पेपर में वो कटा है, फर्स्ट पेपर में से वही कटा गया होता है। ठीक है ना, सेक्शन सी भी लिख लीजिए, इसमें लिखना है जैव रसायन, हाँ जैव रसायन है सेक्शन सी है ना, इसमें लिखना है कार्बोहाइड्रेट संरचना कार्य महत्व। ठीक है, और आगे लिखिएगा ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी।
ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ईटीसी, कॉमा इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन, इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन के कार्य, ठीक है, इंसुलिन ग्लूकागॉन का तो पहले जिक्र कर चुके हैं अलग ही, है ना, और बस हाईलाइट से लेकर एक्सपेक्ट लेकर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन में डैश कीजिए, लिखिए संरचना, कार्य और महत्व, संरचना, कार्य और महत्व, कॉमा लिखिएगा, अनिवार्य तथा, अनिवार्य तथा अनिवार्य, मतलब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, जो जरूरी है और जरूरी नहीं होते अमीनो से, ठीक है, अनिवार्य अमीनो अम्ल, ठीक है, अनिवार्य तथा अनिवार्य अमीनो अम्ल, अमीनो अम्लों का उपापचय, अमीनो अम्लों का उपापचय, अमीनो अम्लों के उपापचय में आपका ये सारे साइकिल्स आ जाएंगे, जैसे ऑर्निथिन साइकिल करा दी है, डीएमिनेशन, ठीक है, जब ये कराया जाएगा ना क्लास, ध्यान रखिएगा, या तो बॉटनी मैडम कराएंगी या फिर जब मैडम कराएंगी, या तो मैं कराऊंगी या मैडम करेंगी, मैं कराऊंगी तो कोई कराऊंगी, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा, तो उसमें सारा वही आना है, ऑर्निथिन साइकिल, डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, वो सारी साइकिल्स आएंगी इसमें, मतलब कहने की बात ये है, क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण, यूरिया। नेक्स्ट पॉइंट एंजाइम्स, एंजाइम्स टाइप्स, मतलब प्रकार और उनकी क्रियाविधि, ठीक है। नेक्स्ट है लिपिड, लिपिड में करना है संरचना, कार्य, महत्व, बीटा ऑक्सीडेटिव साइकिल, ऑक्सीडेटिव साइकिल, और एक और लिख लीजिए, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड का संश्लेषण, संश्लेषण, बस इतना ही है, बाकी सब फालतू चीज आपके में हटा दिया, ठीक है, नहीं बस बहुत कम कर दिया, मतलब कहने की बात, ठीक है। तो आज चाहे तो घर जाकर कट कर लेना, ठीक है, कट जो एक्स्ट्रा करवा दिया गया है ना, या मेरा मानो तो डिवाइस को पता ही चले जाना, डिवाइस करोगे थोड़ा सा और सब में से, सब में से वही है, लेकिन शायद हो सकता है मुझे अच्छा कहाँ पहुँच गए तुम्हारी वो साइट, तुम लोग करवाएगा ना, यही इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने पढ़ाने, ठीक है, कब जाओ तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा खराब होता है, इसी में से आ जाएगा, बट 70% भी बहुत शानदार वाला 70% है ना, फिजियोलॉजी तो कम से कम बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं, हां जी, हां जी।
है।